नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे अपने चैनल डीजी स्टडी क्लास में। दोस्तों आज मैं एक और वीडियो अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए, जो कि आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम के रिजल्ट के बारे में है। एएलपी सीबीटी 2 का रिजल्ट आपका कब आएगा? देखिए पहले ये हो रहा, 17 मार्च तक आपका रिजल्ट आना था। 17 मार्च आपको डेट दी गई थी, लेकिन उस तक अभी तक कोई नोटिस भी नहीं आया रेलवे का, तो रिजल्ट की तो हम अपेक्षा कर ही नहीं सकते हैं। और डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ कि अगले हफ्ते में थोड़ा सा शेड्यूल बिजी है, बिकॉज 2 दिन आपकी होली की छुट्टी है, प्लस उसके बाद सेकंड सैटरडे फोर्थ सैटरडे, यानी कि लास्ट के 3 दिन, यानी कि 21, 22, 23, 24, आपकी 4 दिन छुट्टी है, तो रिजल्ट आना लिटिल बिट पॉसिबल नहीं है। मैं बता दूँ आपको, तो आज 17 अपडेट की क्या अपडेट आई है वो बताने वाला हूँ मैं आपको। 100% कन्फर्म अपडेट बताऊँगा आपको मैं। साथ ही जो 4:50 की अपडेट आई उसके बारे में बात करने वाले हैं हम लोग। एएलपी कैंडिडेट जो है वो तैयार हो जाए इस वीडियो को देखने के लिए। अगर एग्जाम दिया है तो वीडियो जरूर देखें, और आप लोग वीडियो को अंत तक देखा करिए। मैं आपको अंत तक पूरा कंक्लूजन बताता हूँ वीडियो का। कंक्लूजन जो भी होता है उस वीडियो को मैं पूरा लास्ट में बताता हूँ इस चीज़ को, इसीलिए आप लोग पूरे वीडियो का ध्यान से सुना करें, एक एक बात बात पे ध्यान रखा करें मैं क्या बात कर रहा हूँ। मैं इस वीडियो में रिजल्ट के बारे में बात करने वाला हूँ, आपको रिजल्ट की डेट बता दूँ कब कब आएगा रिजल्ट आपका। और वीडियो में आगे बढ़ने से मैंने फिर से आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो मेरे चैनल पर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये बेल आइकन बटन दिख रही नीचे आपको रेड कलर की, उसे दबा दीजिए, उसके बाद नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोज़ या फ्रेश अपडेट्स हम लोग आपके लिए लाते रहते हैं डेली डेली, आप लोग तक पहुँचे सबसे फास्ट सबसे पहले। बेल आइकन बटन को जरूर दबाना, आपके लिए नई नोटिफिकेशन बहुत फ़ायदेमंद होता है। मैं बिकॉज हर एक टॉपिक से वीडियो बनाता हूँ जिस पर बच्चों के डाउट्स होते हैं, क्लियरली मैं उसी टॉपिक को हिट करता हूँ जिस पर बच्चों के डाउट्स आते रहते हैं बराबर। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, अपने दोस्तों में शेयर कर दे, जो भी आपका फ्रेंड कलीग्स या रिलेटिव्स अगर गवर्नमेंट जॉब से तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, बिकॉज ये चैनल काफ़ी हेल्पफुल है। हम केवल ऑथेंटिक न्यूज़ देते हैं, कोई भी फेक न्यूज़ हम नहीं फैलाते हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो में, देखते हैं और बात करते हैं हम लोग क्या आया है आज। तो दोस्तों हम आ गए हैं आपके एनडीटीवी के न्यू इमेज पेज पे। देखिए आपके 2 ही 3 ऐसे न्यूज़ पेपर जिनकी आप लोग न्यूज़ पर भरोसा कर सकते हैं, जैसे कि आप हो गया, एक आपका एनडीटीवी हो गया, दूसरा आपका टाइम्स नाउ हो गया, और एक तीसरा द इंडियन एक्सप्रेस। ये 3 न्यूज़पेपर ऐसे हैं जिनकी चैनल जिनकी न्यूज़ होती है 100% सही होती है, उनमें कोई भी फेक या उसको कोई फिल्टर नहीं किया जाता। तो जो इसमें आज न्यूज़ निकली है अभी, ये देखिए आप, 17 मार्च का अपडेट है, 4:49 का। तो इसमें निकला है आरआरबी एएलपी सीबीटी 2 एग्ज़ाम, जानिए कब जारी होगा एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 का रिजल्ट। जिस बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है तो उन बच्चों का रिजल्ट कब आएगा? तो एएलपी टेक्नीशियन सीबीटी 2 का जो रिजल्ट आने वाला है इस महीने के अंत तक जारी होने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, जो आपका सीबीटी 2 का रिजल्ट है वो इस महीने के अंत तक आने की पूरी पूरी उम्मीद है। एएलपी टेक्नीशियन का रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को अपना रजिस्ट्रेशन नंबर जन्मतिथि मदद से लॉगिन करना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं इसी में, अगर रिजल्ट जल्द जल्द जारी होने की पूरी पूरी आशंका है हमारे पास। आरआरबी की रिजल्ट वेबसाइट पर आएगा, परीक्षा जनवरी में हुई थी, जिसकी परीक्षा जो आपको पता ही होगा आपको 23 जनवरी से आपकी कब 21 जनवरी से 23 जनवरी तक हुआ था। तो अगर आप लोग बात करें कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने ये परीक्षा कब करवाई थी, सीबीटी 2 आपकी 21 से 23 जनवरी तक करवाई थी, बाद में इसका एक पेपर 8 फरवरी को भी हुआ था। टेक्नीशियन रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जारी होगी। 21 तारीख, 22 तारीख और 23 फरवरी को आयोजित की जनवरी को आयोजित की सॉरी यहाँ गलत लिखा हुआ है, ठीक है, और 1 फरवरी, 8 फरवरी को पेपर हुआ था आपका। तो अगर आप लोग को देखिए अब तो इसने कंफर्म कर दिया कि जो आपका रिजल्ट आने वाला है वो अप्रैल के अरे सॉरी मार्च के लास्ट में आने वाला है, यानी 25 मार्च तक आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है हम लोग को, 25 मार्च तक। और आपका जो CBT 3 होने वाला है उसमें 15 डेज का लगभग गैप रहेगा, लगभग 12 से 15 अप्रैल के बीच में आपका CBT 3 स्टार्ट हो सकता है। तो जो भी मेरे भाई लोग तैयारी कर रहे हैं वो CBT 3 की तैयारी स्टार्ट कर दे अपनी, अगर उनको लगता है उनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, अगर उनके 60+ मार्क्स आ रहे हैं जनरल कैटेगरी में, 50 नंबर आ रहे हैं उनके SC ST OBC कैटेगरी में, तो जरूर वो सिलेक्शन के प्रिपेयर कर सकते हैं। CBT 3 के लिए कॉल जरूर आएगा 100%। आज की वीडियो में इतना ही, हमारे साथ बने रहिए, धन्यवाद। कल हम फिर एक और नई वीडियो पर बात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।